गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आप लोग सभी को आज परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। हम मैं पास्टर जॉन जोसेफ हार्वेस्ट चर्च नागपुर से हूँ और हमने ये सीरीज को शुरू किया है। उद्देश्य और थीम इसका यह है कि दृढ़ परिवार बनाना, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फैमिलीज। हम परिवारों पर बहुत जोर दे रहे हैं क्योंकि आज आप देखते हैं चारों ओर कैसे घर परिवार टूटते जा रहे हैं, तलाक और डाइवोर्स कितना बढ़ता जा रहा है। ये पिछले हफ्ते की ही बात है, हमारे नागपुर में हितवाद न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया था कि नागपुर में ही पिछले 2.5 साल के अंदर में 16,000 से अधिक डाइवोर्स केसेस फाइल कर दिए गए और जिसमें 3,000 को तो डाइवोर्स मिल चुका है। हमारे देश में आज परिवार अंडर अटैक है। घर और परिवार को दृढ़ करना, मजबूत करना, ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। प्रभु ने हमें ये दिल में बोझ दिया है कि हम बाइबल आधारित परमेश्वर के वचन के अनुसार वो वचन लेकर के आए जिसके द्वारा आपका घर परिवार दृढ़ हो सकता है, मजबूत हो सकता है। हमने पिछले 2 संडेज में जो सीरीज में लिया है, स्ट्रांग फादर्स मेक स्ट्रांग फैमिलीज। अगर पिता दृढ़ है तो परिवार दृढ़ हो सकता है। और हमने दूसरा सेशन जो लिया था, रन टू द ऑल्टर, उस वेदी, वो प्रार्थना की वेदी को आप बनाइए और उसके पास बारंबार जाना हमें बहुत जरूरी है ना। ये 2 सेशंस हमारे हो चुके। अगर आपने मिस आउट किया है तो नीचे दिया गया हुआ वेबसाइट एड्रेस है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं या फोन करिएगा। हम आपको टेक्स्ट भी भेज सकते हैं और वीडियो सर्वन थ्रू यूट्यूब भी आप इसको सुन सकते हैं और जरूर आपका परिवार दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर प्रार्थना भी होती है आपके परिवार के लिए। अगर आपके परिवार में कुछ अशांति है, बेचैनी है, कुछ गड़बड़ी और टेंशन और चिंता आपको खा रही है ना, बाइबल में लिखा है जब तक परमेश्वर घर को ना बनाए, बनाने वाले की सारी मेहनत, परिश्रम, कोशिश, पसीना बहाना सब व्यर्थ, शून्य, जीरो हो जाएगा। तो वी नीड गॉड टू बिल्ड आवर होम्स। परमेश्वर है जो हमारे घर को बढ़ाता है और बनाता है। और बाइबल ये हमारी लॉ बुक बन गई, इसमें सारी बातों का शिक्षा दिया गया है जिसके द्वारा अपने परिवार को हम दृढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। आइए आज के पाठ के लिए हम लोग बाइबल को खोलेंगे रूत की पुस्तक में। रूत की पुस्तक उसका 2 चैप्टर और उसका 10 कलम। रूत 2 चैप्टर उसका 10 कलम। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरे, दैट इज रूत, भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरकर कहने लगी और उसने उससे कहा, दैट इज बोआ से कहा, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली। आज का पाठ है लॉज अबाउट इनलॉज, ससुराल वालों के बारे में कुछ बाइबल आधारित नियम, या बाइबल क्या कहती है ससुराल वालों के बारे में। देखो, हमारे भारत देश में कई बार परिवार में समस्या हो जाती है। पति पत्नी तो हैप्पी है, परंतु ससुराल का टेंशन हो जाता है। ससुराल की तरफ से कुछ प्रॉब्लम, कुछ बातें बोली जाती है ना, और दो उस कारण से भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। हमारे देश में तो एक बहुत अच्छा टीवी सीरियल भी बहुत चल रहा, सास भी बहू थी ना, और पता नहीं आपने देखा कि नहीं वो देखा सीरियल ना, मैंने तो नहीं देखा पर जो सुना है ना कैसे। परंतु सच बात है, अगर ये रिलेशनशिप मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, सास और बहू का रिश्ता, अगर उसको ठीक से हैंडल नहीं कर दिया जाए तो परिवार में बहुत समस्या भी आ सकती है। परंतु रूत की पुस्तक, रूत और उसकी सास नियोमी का रिश्ता अगर हम देखते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि ये सास और बहू का रिश्ता एक बहुत सुंदर रिश्ता बन सकता है। एक विन विन सिचुएशन दोनों पार्टी के लिए हो सकता है, दोनों पार्टी का लाभ, सास का भी और बहू का भी हो सकता है। यह सबूत हमको रूत की पुस्तक से मिलता है। इसलिए इस पार्ट पर हमको बड़े ध्यान से देखो, बाइबल कितनी सुंदर पुस्तक है, हर जीवन के क्षेत्र की शिक्षाएं हमको बाइबल से सीखने को मिल जाती है और यह नाजुक रिश्ते के बारे में भी।
ना जो सास और बहू का रिश्ता है ना। इससे पहले कि हम थोड़ा आगे जाए, मैं ये भी बताने देना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जो रिश्ता हम बनाते हैं उसको बहुत करीब से देखता है। हमारे रिश्तेदारों में जो हमारे संबंध है ना, भाई भाई का परिवार में, भाई बहनों के बीच में, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, पति पत्नों का, प्रभु बहुत क्लोजली उसको वॉच करता है, बहुत ध्यान से देखता है। अगर एक दो वचन के लिए मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ दूं ना, एक उदाहरण पाया जाता है हमको जो बाइबल में याकूब के बारे में लिखा है ना, कि उसने अपनी पत्नी लिहा के साथ बैर रखता था और परमेश्वर ने यह देख करके राहेल के कोख को बंद कर दिया। यह उत्पत्ति 29 चैप्टर में और 31 कलम में लिखा है, उत्पत्ति 29 चैप्टर और 31 कलम। जब यहोवा ने देखा कि लिहा अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बांज रही। मतलब गॉड ये फैमिली को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था और यहां देख रहा है पति पत्नी के बीच में कुछ टेंशन है। अब उन दिनों में याकूब के पास दो पत्नी थी, एक लिहा और एक राहेल। राहेल से बहुत प्रेम है और लिहा से उसकी अप्रिय बन गई वो। गॉड ने देखा और गॉड ने वहां पर लिहा की कोख को खोल दिया। उसे एक के बाद एक के बाद एक ब्यूटीफुल हैंडसम सन्स बॉर्न होने लगे और राहेल जिसके साथ याकूब बहुत प्रेम कर रहा है उसकी कोख प्रभु ने बंद कर दी ना। मतलब गॉड वेरी क्लोजली वॉचेस आवर फैमिली रिलेशंस। हमारे घर में क्या चल रहा है, पति पत्नी के बीच में व्यवहार कैसा है ना। पहला पत्रस 3:7 में बाइबल कहती है, पहला पत्रस 3:7 कहती है ना, पतियों को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कि अपनी पत्नियों को एक कमजोर पात्र के समान आदर देकर उनके साथ संबंध रखो ना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए, तुम्हारी प्रार्थना में अटकन रुकावट आ जाए। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कुछ टेंशन है तो प्रार्थना रुक जाएगी, प्रार्थना रुक जाएगी तो आप और मैं क्या कर पाएंगे विदाउट गॉड्स हेल्प। गॉड इज सो क्लोजली वॉचिंग आवर रिलेशनशिप। गॉड इज कंसर्न टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, कि आपका परिवार दृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। प्रभु उस बातों की बहुत चिंता करता है। इनफैक्ट हमारे चर्च, हार्वेस्ट चर्च नागपुर में, हम लोग ब्लॉसम मैरिज सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, जहां पर ये सब टॉपिक्स को हम डिटेल में ऑल ईयर राउंड हम लोग उसको लेते हैं ताकि परिवार दृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत नजदीक से देखता है, भाई बहनों के प्रेम को देखता है ना। या जॉन ने लिखा, अपोस्टल जॉन ने कहता है 1 यूहन्ना 4:20 में, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो वो झूठा है, तो वो झूठा है ना, क्योंकि जो अपने भाई से उसने देखता है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है ना। परमेश्वर चाहता है हमारे भाई बहनों परिवारों में गहरा प्रेम होना चाहिए। अगर कोई कहता मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं पर वो भाई वो बहन ना परिवार वालों से मैं प्रेम नहीं करता हूं, बाइबल कहती वो झूठा व्यक्ति है। कैसे प्रभु को प्रेम करेगा जिसको देखा नहीं, और जिसको देखता उसको तो प्रेम नहीं करता है। सो मतलब गॉड इज वेरी केयरफुली वॉचिंग आवर फैमिली रिलेशनशिप ना। इसलिए यह भी एक संबंध जो है सास और बहू का, गॉड इज वेरी क्लोजली वॉचिंग दिस रिलेशनशिप। और हमने ओपनिंग वर्स जो पढ़ा है रूथ, उसका 2 चैप्टर और उसका 10 कलम में हमने पढ़ा है ना, रूथ को समझ में नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति बोआज, अब बोआज के बारे में लिखा है माइटी मैन ऑफ वेल्थ, बहुत धनी व्यक्ति था, खेत नौकर जानवर सब कुछ उसके पास में था, मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन टाउन होगा वो, सब ज्यूज फैमिली ना, पेरेंट्स कोशिश करते होंगे मेरी बेटी की शादी इस आदमी के साथ हो जाए। पर अगर आपने पुस्तक पढ़ा है आप जानते हैं बोआज जाकर रूथ से शादी करता है। रूथ तो परदेसी है, मोआब, कर्सेड जेनरेशन, कोई संबंध नहीं यहूदी और मोआबी लोगों के साथ में। एंड नंबर टू, रूथ विधवा है, विधवा है, विधवाओं से उन दोनों में शादी नहीं होती थी। परंतु बोआज जाकर के रूथ से शादी करता,
गांव के कितने एल्डर्स ने काउंसिलिंग कुछ किया होगा, बोआस का इतनी बड़ी गलती मत कर, क्या हमारे गांव में ऐसी स्त्रियां नहीं हैं क्या, अच्छी बेटियां नहीं हैं क्या, तू वहां जाकर उससे विधवा और परदेसी के साथ शादी करता है। पर बोआस ने यहां पर कुछ जवाब दिया, कुछ रूथ की इनर वैल्यूज के बारे में उसने बहुत महत्व दिया। उसने रूथ के बाहरी शरीर कैसी दिखती होगी, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस बातों पर जोर नहीं दिया उसने। उसने कुछ अंदर वैल्यूज, उसके क्रिश्चियन वैल्यूज जो अंदर में होंगे, उसके तरफ में वो ध्यान दे रहा है। इसलिए रूथ मुंह के बल गिर करके कहने लगी, क्या कारण क्या है कि तूने मुझ परदेशी पर ना अनुग्रह किया है और मेरी सुधि ली है। उसका 11 कलम कहता है, बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है। ये पैसेज आपने पढ़ चुके हैं, मैंने कई बार चर्च में प्रीच किया हूं। बोआज यहां क्राइस्ट को दिखलाता है, रूथ जेंटाइल ब्राइड और वाइफ, क्राइस्ट की जो दुल्हन जेंटाइल है उसको दिखलाता है, जो आप और मैं हम हैं, हम गैर यहूदी लोग हैं ना। और हमारे पास में मैं सोचता हूं स्वर्ग हम जाएंगे, हम यीशु से यही प्रश्न पूछेंगे, तूने मुझ परदेशी पर क्यों दया करी, तूने क्या देखा था मुझको, मेरे अंदर में क्या देखा था। और ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है, कृपा है, जो उसने आपको और मुझको प्रेम किया है। इसलिए ना उसको समझ में आया, बोआज ने जवाब दिया रूथ को, मुझे सब कुछ बता दिया गया तेरे पति के मरने के बाद, तूने जो अपने सासू के साथ किया है और तूने किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया, मेरे को वो डिटेल से बताया गया है अबाउट द क्वालिटीज ऑफ दिस वुमन कॉल्ड रूथ। और यह बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। रूथ 2:12 में जो लिखा है, बोआस ने आगे कहा रूथ से, यहोवा तेरे करनी का फल दे, करनी द वर्ड करनी इंग्लिश में आता है, द लॉर्ड रिकम्पेंस दाई वर्क। जब करनी वाली बातें आती है, करनी और वर्क में पसीना बहाना पड़ता है, सेक्रीफाइस है, हार्ड वर्क लगता है ना। कोई भी जन ना वर्क के लिए पसीना बहाता है, तकलीफ होती है, वर्क इज नॉट प्लेजर। सो बोआज रूथ से कहता है ना, यहोवा तेरे करनी का फल दे। वो डॉटर इन लॉ है, वो बहू है ना, वो पसीना बहा रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, और यहोवा उसको देखता है और उसका प्रतिफल देता है ना। इसलिए उसने कहा, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। मे द लॉर्ड रिवॉर्ड दिस वर्क ना। ये बहू रूथ ना सब कुछ छोड़ करके, इसके जो गोल्डन वर्ड्स हम जानते हैं, रूथ 1:15 में लिखा है, रूथ ने बोली थी अपने सास से, तब उसने कहा, देखो तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। पर 16th verse रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, और सुनो तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। वो करनी था उसके लिए, उसने वहां पर ना जो उसके हस्बैंड के फैमिली को उसने कहा, तेरे लोग मेरे लोग। रूथ के लाइफ से मैं जल्द से 2 points रखना चाहता हूं, जो हमको यहां से एक सबक मिलता है। एक बहू, बाइबल क्या कहती है, एक बहू के जीवन कैसा होना चाहिए, और 2 points फिर मैं जल्दी से सास के बारे में भी कहना चाहता हूं। अब ये सब्जेक्ट तो बहुत लंबा है ना, परंतु इस शॉर्ट टाइम में कुछ मेन पॉइंट्स रखना ही चाहता हूं मैं ना। नंबर 1 point रूथ के जीवन में हम देखते हैं, रूथ अपने सासू का भला चाहती है, शी सीक्स द वेलफेयर ऑफ हर मदर इन लॉ। रूथ अपना सुख अपना आराम, देखो रूथ के लिए बेहतर यह होता उसके पति मर जाने के बाद कि वापस अपने घर चले जाए, और उसकी सास ने बोला भी था, और दूसरी जो जेठानी थी उसकी वो तो लौट भी गई ओरफा, पर रूथ ने अपना सब खुशी सब आराम सब कुछ छोड़कर अपने सासू के साथ, बिकॉज इसका ससुर भी मर गया था, फादर लॉ मर गया था, उसने वो जानती थी कि मैंने जब इस परिवार के इनके बेटे के साथ में शादी किया हूं, मेरा जिम्मेवारी पूरे परिवार के साथ में है, मेरा रिश्ता वहां खत्म नहीं हो गया,
कि मेरा हस्बैंड मर गया तो मेरे को क्या लेने देना इस फैमिली के साथ में, ना केवल सुख के दिन में पर दुख के दिन में भी वो खड़ी रही, वो खड़ी रही, क्योंकि उसका ये वचन था तेरे लोग मेरे लोग। अगर हर बहू ये वाला सिद्धांत अपना लेगी कि अब से ये मेरा घर है, लड़के की माँ ये मेरी माँ है, लड़के का बाप ये मेरा बाप है, लड़के की बहन ये मेरी बहन है, उसका भाई ये मेरा भाई है, मैं सोचता हूँ वातावरण बदल जाएगा। रूत ने कुछ ऐसा ही किया, रूत ने ना उसके हस्बैंड के फैमिली को अपना फैमिली समझा, उसने अपने सासू को अपने हस्बैंड की दृष्टि से देखने लगी। वो ये सोचती होगी कि अगर इसका बेटा जीवित होता तो कैसे देखभाल करता अपनी मां का, कैसे सूदी ले लिया होता, उसको बेघर बेसहारा नहीं छोड़ा होता। तो वहां पर रूत अपने हस्बैंड का स्थान ले ली, उसने अपने सास को अपने हस्बैंड की दृष्टि से देखती है, वो उसकी भलाई चाहती है ना, और उसके सेवा करने के लिए वो तैयार हुई, अपना खुशी अपना आराम सब कुछ छोड़ करके। सो नंबर वन चीज हम देखते हैं रूत के बारे में, रूत अपने सासू की भलाई चाहती है, वेलफेयर वो करने को तैयार हो जाती है। दूसरी बात अगर हम रूत के जीवन में देखते हैं, वो अपने सासू से प्रेम करती है, प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है ना, क्योंकि वहां लिखा है रूत 4:15 में, रूत 4:15 में, और यह तेरे लोगों ने कहा नियोमी से, और यह तेरे जी में जी लाने ले आने वाली और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो रूत का बेटा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझ से प्रेम रखती है और 7 बेटे से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है उसका यह बेटा है। सुनो क्या बोल रहे थे गांव के लोग, तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है। गांव के लोगों ने भी देखा, देखो प्रेम एक फीलिंग होती है ना, प्रेम को मैं बता नहीं सकता हूं, पर मेरे करने के द्वारा, मेरे एक्शंस के द्वारा, मेरे वर्ड्स के द्वारा लोगों ने, गांव के लोगों ने देख लिया रूत अपने सासू से प्रेम रखती है, इतना सेक्रीफाइस करने को तैयार ना। प्रेम को प्रकट करना पड़ता है, 2 शब्दों के द्वारा बोलना पड़ता है, करनी के द्वारा बता करके बताना पड़ता है कि सचमुच में हम प्रेम रखते हैं एक दूसरे के प्रति में ना। गांव के लोगों ने देखा और क्या कहा, ये तेरी बहू 7 बेटों से बढ़कर है ना, बेटर टू यू देन 7 sons ना, उसने 2 गवाई और 7 पाली थ्रू रूत, इतना प्रेम दिया उसने ना। उसने रूत ने अपने लिए नहीं देखा सुविधा आराम शांति खुशी, उसकी सास के लिए ये प्रेम जो है ये सेम प्रेम है, अगापे प्रेम, अगापे प्रेम जो परमेश्वर ने ना यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया। योहान 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से मतलब आपसे मुझसे इतना अगापे इतना प्रेम, अगापे प्रेम बिना शर्त वाला प्रेम होता है, अगापे प्रेम इन रिटर्न उसके बदले में और कुछ नहीं मांगता, अगापे प्रेम अगले का भला 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 करने के लिए खुद को त्याग देने को भी तैयार हो जाता है, इसको बोलते अगापे। रूत ने अगापे प्रेम करी अपने सास के साथ में ना, और उसका भला ही चाहा, और कितना उसको उसका प्रतिफल यहोवा ने दे दिया। अगर हम जल्दी से नियोमी के लाइफ में देखेंगे, नियोमी ने उसका रूत 1:12 लिखा है, नियोमी ने अपनी बहू से क्या बोलती है, हे मेरी बेटियों लौट कर चली जा। नंबर वन चीज उसको बहू ने बोला, उसने उसको बेटी करके पुकारा ना, भेदभाव नहीं किया उसने, वो जान ली कि शादी के द्वारा ना ये बेटी एक और एक मेरे पास में आ गई। अगर सास उसी दृष्टिकोण से कि ये मेरी बेटी है, इसके साथ में वैसा ही व्यवहार जैसे मैं अपनी बेटियों के साथ जो मेरे द्वारा जन्मी हुई है वैसे ही करूंगी, तो वातावरण बदल जा सकता है ना। नियोमी ने उसको बेटी करके पुकारा है ना, वो मुंह के शब्द आप क्या इस्तेमाल करते हैं एक दूसरों के प्रति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो शब्दों के द्वारा हमारे घाव में मल्लम ना लग जाता है और हम वो रिलेशनशिप चंगा भी हो जाता है ना। वहां पर ना नियोमी ने अपने बेटियों को, दूसरी बातें अगर देखते हैं, नियोमी ने कभी जबरदस्ती नहीं किया, नियोमी ने दोनों बहू से कहा बेटियां तुम्हारा भलाई देखो, वापस अपने घर लौट जाओ ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे भी दिन गुजार लूंगी मैं। देखो नियोमी डिमांड कर सकती थी,
उसको बोल सकती थी मेरे पास बेटे नहीं है तो मेरे साथ आओ मेरा देख, पर कहीं भी कुछ नहीं, उसने पूरा छूट दे दिया, कोई डिमांड भी नहीं रखा। नियोमी भी एक गुड मदर इन लॉ दिख रहा है हमको, एक अच्छी सास जो अपनी बहू की कितनी चिंता करती है, वो अपनी बहू की खुशी, अगर सास और बहू एक दूसरों के प्रति दोनों के खुशी के खोज में रहेंगे ना, घर का वातावरण बदल जाता है ना, क्योंकि ये सास वो आपके हस्बैंड का ना मां है, इसने पाल पोस करके बड़ा किया। मैं कई बार कहता हूं ना, जब शादी होती है वो लड़की अगर लड़के को खुश करना चाहती, हस्बैंड को खुश करना चाहती है तो मां से पूछो, क्योंकि मां ने इसको 20 साल 25 साल 30 साल तक पाल पोस करके बढ़ाया, मां जानती है कैसा इसको कौन सी बातें अच्छी लगती है ना। तो अगर अपने हस्बैंड को खुश करना है तो हस्बैंड की मां से पूछो ना, वो अच्छे से बता सकेगी ना। साथ साथ में ये भी कहता हूं, हस्बैंड्स को अपनी वाइफ को खुश करना है तो वाइफ के बाप से पूछो ना, क्योंकि ये 20-25 साल से ना ये उसका पिता जो था उसने पाल पोस करके बड़ा किया ना, अभी नया सिर उसके ऊपर में आ गया है पति के द्वारा। सो जरूरी होता है अपने फादर लॉ से आप पूछे ना कौन सी बातें अच्छी लगती है, कैसे ना उसको खुश किया जाता है ना। कोई भी जन नहीं पसंद करता है अपने मां और बाप को कोई गाली दे, ये बॉर्डर लाइन को हरदम ध्यान में रखना। कई बार पति पत्नी में टेंशन हो जाता है और झगड़ा करते करते उसके बाप को गाली, उसके मां को गाली, और फिर तो आग बरस जाती, क्योंकि कोई भी जन नहीं पसंद करता अपने मां और बाप को कोई गाली दे दे या बुरा बोल दे। उल्टा अगर हमारे मां और बाप को कुछ दो मीठे शब्द बोले जाए तो हम तो उसके दोस्त बन जाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते जो बाइबल में सिद्धांत लिखे हाउ टू बिल्ड गॉडली होम्स, और हमारी प्रार्थना है प्रभु आपके घर में भी असीम शांति लेकर आए इस वचन के द्वारा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और प्रभु एक नया हृदय नया मन दे आपके अंदर में। आपके घर में अगर कोई भी बात का टेंशन है, प्रभु यीशु मसीह शांति लेकर के आए। हम सिर झुका सकते हैं, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज जितने लोग ये चैनल्स को सुन रहे हैं प्रभु, हमारा विश्वास है आज आपने उनको चुन चुन करके बुलाया है प्रभु, ताकि ये वचन के द्वारा उनका जीवन उनका परिवार दृढ़ हो सके। प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु, अगर उनके घरों में कोई टेंशन है प्रभु, कुछ ऊंच नीच वाली बातें हैं पिता, प्रभु आज असीम प्यार और प्रेम से इस घर को भर दे, वो अगापे प्रेम, बिना शर्त वाला प्रेम प्रभु जी। तेरे नाम से इनके परिवार को मैं आशीष देता हूं पिता प्रभु जी। प्रभु जी जो आज हमने पाठ पढ़ा रूत और नियोमी का प्रभु, वैसा ही संबंध हर सास और बहू के साथ में होने पाए पिता प्रभु, उनके ससुराल वालों के साथ में होने पाए, वो सब एक परिवार जुड़ करके तेरी महिमा करने पाए पिता प्रभु जी। ये आशीष मांगता हूं प्रभु, उन्हें बहुत ऐसे तू बरकत दे, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू। Congratulations on Life Christian University's 10th anniversary grand commencement. I'm honored to be an LCU graduate. It is an institute of excellence, and I'm thrilled to see how God is expanding it so quickly around the world.